तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं पिछले क्लास में जो बताया था आप लोगों को वो चीज क्लियर करता हूँ, क्या क्या बताया था। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। और मैंने इसमें कुछ मतलब समझने के लिए कुछ ऐसा ट्रिक डाल दिया था जो कि समझ में आ जाए, याद रहे, इसलिए हालांकि ऐसा कहीं किसी किताब में ऐसा जिक्र नहीं है, जैसा मैंने बताया था वैसे किसी किताब में जिक्र नहीं है, ठीक है। बस इसलिए बता दिया था कि खेल खेल में आप लोग को याद रहेगा, वैसे याद रहेगा इसलिए ऐसा डाला। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, नीचे लिख देते हैं अवतल दर्पण, जिसका नाम मैंने उसमें दे दिया था अवतल स्टेशन का नाम दिया था, स्टेशन अवतल दर्पण, ठीक है भाई। मैंने बताया था कि दर्पण के द्वारक के बीचों बीच में जो पॉइंट रहता है उसको पोल बोला जाता है, ठीक है। पोल को पी से लिखा जाता है, तो मैं पी फॉर पटना बता दिया था आप लोग, ठीक है। ये जो लाइन जाती है इसको प्रधान अक्ष मैंने पढ़ाया था कि जो सीधी लाइन जाती है उसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। इसको मैंने रेल का पटरी बताया था आप लोगों को कि मैं रेल का पटरी इसको बिछा रहा हूं, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस केंद्र से बनाई जाती है उसको सी से लिखते हैं, वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं, जिसको मैं चेन्नई बताया था आप लोगों को, चूंकि सी फॉर चेन्नई, सी फॉर आपके सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र। पी और एफ के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। पी और सी के बीच का जो बिंदु होता है फोकस होता है एफ, इसका नाम मैंने फरीदाबाद दिया था, एफ फॉर फरीदाबाद, एफ फॉर फोकस। तो अब जो है मैंने ये चीज बताया था पिछले क्लास में कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहां कहां बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां कहां बनता है, उस प्रतिबिंब को देखने के लिए जो है हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। वो एग्जाम्पल को फिर एक बार दोबारा दोहरा देते हैं, उसके बाद हम फिर प्रतिबिंब बना करके देखेंगे। सी के पीछे का जितना पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, सी से पीछे जितना खुला हुआ एरिया है इसको अनंत बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा, अनंत बोला जाएगा, इसमें कोई डिफाइन नहीं है। यहां से थोड़ा सा क्रॉस करेंगे तो भी अनंत है, इतना क्रॉस करेंगे तो भी अनंत है, इतना क्रॉस करेंगे तो भी अनंत है, ठीक है। लेकिन एक आपका अपना दायरा होना चाहिए कि ये त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या कितना रेंज ले सकता है, उसके बाहर आप अनंत को ले, समझ रहे ना। तो मान लीजिए कि अगर रफ फिगर हम ड्रॉ करें तो मान लो कि यहां तक जितना दूरी ये है स्केल से नाप ले, उतना दूरी इधर कर ले, उसके बाहर आप अनंत को ले, ठीक है। तो मैंने ऐसे बताया था कि एक यात्री जो है उसका पूरा रैकेट चलता है, पॉकेट मार, समझ लो कि पॉकेट मार। पॉकेट मारों का क्या होता है, जो ट्रेन जहां से खुलती है वहां से लेकर के जहां रुकती है वहां तक उस सबका क्या होता है, गैंग होता है। अगर पॉकेट नहीं मारा तो अगले को फोन कर देगा कि मैं नहीं कर पाया तुम कर लेना, मैं नहीं कर पाया तुम कर लेना। समझ लो कि उतरते उतरते उसका क्या होगा, पॉकेट मारा जाएगा, सामान लूटा जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो भाई एक चीज और है कि ऐसा नहीं कि सर जी भी पॉकेट मारे गैंग का तो नहीं है, क्योंकि कल मैं एक रिव्यू देख रहा था किसी पत्रकार का, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें दिखाया गया था पठान फिल्म को ये आया है, ठीक है, मैंने देखा नहीं है। तो पठान फिल्म में बताया गया है कि शाहरुख खान जो है वो ISI गैंग का जो है ना ये बतला रहा है, मतलब कुछ जिक्र किए हैं, अच्छाई हो या बुराई हो जो भी हो, जब देखा नहीं तो मैं बता नहीं सकता। तो वो बता रहे हैं इसका मतलब उनको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं पॉकेट मार के एग्जांपल लिया हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे पॉकेट मारने का मुझे भी एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये जो है हमने बताया कि उस वक्रता त्रिज्या जो है उसके दूरी जितना ये है उतना ही इधर ले लेंगे, उसके बाहर वाला क्या होगा, अनंत। तो मैं मानता हूं कि अनंत ये है, क्या ये अनंत ये, ठीक है। तो अनंत एक पॉकेट मार जो है अनंतपुर स्टेशन से चढ़ता है, कहां से, हालांकि अनंतपुर जो है मैं अपने मन से जोड़ रहा हूं, ठीक है,
ये स्टेशन कौन सा है? अनंतपुर। इस स्टेशन से चढ़ता है इसका, इस गाड़ी का पहला स्टार्टिंग, जहां से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन जिस पैसेंजर को टारगेट किया है पॉकेट मारने के लिए, वो पैसेंजर उसको शक हो जाता है कि मेरा पॉकेट मारने वाला है और फलाना आदमी मारने वाला है। फलाना आदमी समझते हो ना? Yes, मतलब उसको भी शक है कि कहे कि पॉकेट मारो, क्या कर रहा था, घूर घूर के देख रहा था उसको, ठीक है। आज जो आदमिया था वो अपने बीवी के साथ था, ठीक है। तो बीवी थोड़ा सा पॉलिश की हुई थी, उसको भी लग रहा था कि मेरे को काहे घूर रहा है, तो अपने पति को बता दिया, देखिए मेरे को बार बार घूर रहा, घूर रहा, अब पहरेदारी पति करने लगे। पॉकेट मार को तो लगा कि अब तो मारा नहीं सकता, ठीक है। तो पॉकेट मार जो है तो अपने दोस्त को फोन कर देता है कि भाई मेरे पे सब हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे देख लेना, ठीक है। ये पॉकेट मार जो है वहां से निकल जाता, दूसरे डिब्बे में चला जाता, जाकर वहां चैन पुलिंग कर देता फटाक से, और चैन पुलिंग करके उसको क्या करता है, ट्रेन को बीचे में रोक देता है, ठीक है। यह स्टेशन नहीं है, दोस्तों जो रास्ता में था उसको चढ़ा देता है कि तुम चढ़ के देख लेना, इतना नंबर सीट है, यहाँ चढ़ा देता है। लेकिन इसका दूसरा सीट दूसरा स्टेशन हो गया, तो जहाँ गाड़ी रुकी है कोई पूछेगा ना भाई कि गाड़ी कहाँ रुकी थी, तो गाड़ी कहाँ रुकी है, सी और अनंतपुर के बीच में, मतलब सी फॉर चेन्नई, चेन्नई और अनंतपुर के बीच में, सी तथा अनंत के बीच, समझा गया। ये भी चढ़ा, ठीक है। लेकिन पति जो था ना, समझ लो कि पुलिस वाला था, समझ लिए। और पुलिस वाला में क्या था, सीबीआई के आदमी था, शक हो गया उसको कि अब गैंग बदलेगा। अब एकदम होगा क्या कि अपने आस पास में दो चार कैमरा लगवा दिया, सब लेके कैमरा चल रहा था, वैसा नहीं ट्रेन में कहाँ से व्यवस्था हो गया, उसके पास था, तो सीसीटीवी कैमरे लगा दिया वहाँ पे, चाहे सीसीटीवी लगाया हो चाहे बड़का कैमरा लगाया हो, लगा दिया, आओ कहाँ से आते हो, ठीक है। अब कह दिया, ये फोन किया इसको, आगे वाले को, पीछे वाले को भी, भाई कैमरा लग गया, ठीक है। तो ये अब क्या कर देता है, अगले को फोन किया तो ये वो और ही चढ़ जाता है यहाँ से चेन्नई से, ये तीसरा स्टॉपेज। तो तीसरा जो चढ़ा पकड़ना, उसका नाम क्या था, उस वो कहाँ चढ़ा, सी पर, सी स्टेशन पर, चेन्नई स्टेशन पर चढ़ गया वो, ये भी असफल रहा। वो आगे फोन करता है, आगे फोन करता तो उसका एक और ही एजेंट जो है वो चढ़ जाता है एक और ही स्टेशन से। तो कौन सा स्टेशन है भाई, फरीदाबाद और चेन्नई के बीच में, एफ और सी के बीच, एफ तथा सी के, ये कौन नंबर स्टेशन है, चार। ये भी असफल रहता है, ये भी पॉकेट नहीं मार पाता है। तो ये आगे वाले को फोन करता है, तो आगे वाला ट्राई करने के लिए चढ़ता है, पांचवा स्टेशन इसका है एफ पर, फरीदाबाद पर चढ़ जाता है, ये भी असफल रहता है। अगला स्टेशन छह नंबर स्टेशन, कौन सा, पी तथा एफ के, तो कितने स्टेशन है भाई, कितने जगह गाड़ी रुकी, जहां से पहला चढ़ा वहां से लेकर के यहां तक छह स्टेशन। तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ठीक है। वस्तु की स्थिति क्या क्या हो सकती है, पहला स्थिति कहां, अनंत पर, दूसरा सी तथा अनंत के, तीसरा सी पर, चौथा एफ तथा सी के, पांचवा छठा पी तथा एफ के,
ठीक है सर। तो ये वस्तु को अवतल दर्पण में इतने जगहों पर रखा जाएगा तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। अब हर चीज का एक ट्रिक होता है, कैसे बनेगा प्रतिबिंब, ये देखो। पहले इतना नोट किया, अवतल दर्पण में अगर जो वस्तु की स्थिति है, वस्तु कहां कहां रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा, ठीक है। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, पांच नंबर तक आप लोगों को पलट लेना, सीधा रहेगा उसको पलट लीजिएगा। छठा में याद रखना है, छठा जो है यानी कि वस्तु पी तथा एफ के बीच होगा तो दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। सी तथा अनंत के बीच में अगर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ तथा सी के बीच। सी पर वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है। एफ तथा सी के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी तथा अनंत के बीच में। एफ पर होगा तो कहां बनेगा, अनंत पर। और पी तथा एफ के बीच में होगा तो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। यानी कि पांच तक का देखो सीधा तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी, एफ एफ, ठीक है। अनंत तो ये क्या हो गया, नहीं नहीं अनंत जो है ये कहां बना रहा है, एफ पर। अनंत अनंत देख रहे हो ना, पांच तक बिल्कुल मिल रहा है। तो पांच का पांच वस्तु जब सीधा रहेगा ना, वस्तु बढ़ते क्रम में प्रतिबिंब घटते क्रम में। अब देखना है कि अवतल दर्पण में जो हम लोग प्रतिबिंब का ग्राफ बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण, और मैंने बताया कि ये हमारा पी होगा, ये प्रधान अक्ष है, ये हमारा सी होगा, और पी और एफ, तो पी और सी के बीच का जो पॉइंट है उसको एफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि आपतित किरण, दो प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है दर्पण से। एक आपतित किरण जो वस्तु से चल करके दर्पण तक आती है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और आपतित किरण जो होती है वो प्रधान अक्ष के समानांतर होती है। आपतित किरण किससे समानांतर होती है, और समानांतर क्या है, समानांतर का मतलब होता है कि उस रेखा की जो दूरी है वो हर जगह प्रधान अक्ष से बराबर है। और प्रधान अक्ष के बराबर नहीं हम बोले हैं, ध्यान रखिएगा, के और से में अंतर है। प्रधान अक्ष के बराबर नहीं बोले, प्रधान अक्ष से समानांतर मतलब प्रधान अक्ष हमारा ये अगर हो गया और इतना दूरी अगर यहाँ है उसका आपतित किरण का, तो यहाँ भी उतना ही दूरी होना चाहिए, यहाँ भी उतना ही दूरी होना चाहिए। बोले तो ये जो मार्कर है, मार्कर का जितना लेंथ है उतना उसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये हमने खींचा तो हाथ से खींचा, भैया किसी स्केल का सहारा नहीं लिया है, तो कहीं थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, तो इसमें आप लोग कॉमेंट पास नहीं करेंगे सर जी कहाँ बराबर है। तो ये आपतित किरण को हमेशा तीर के निशान ऐसे दिखाते हैं, मतलब कि ये किरण जो है किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही है और उस वस्तु के पास से आ रही है, ठीक है। और वो जो है कहां टकरा रही है, दर्पण से टकरा रही है। तो ये किरण क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। अब आप अपने सुविधा के लिए इसका कोई नाम दे सकते हैं, ए बी कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। तो आपतित किरण हमेशा फोकस से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है, फोकस से। जब भी आप डायग्राम बनाए तो डायग्राम बनाते समय ध्यान रखिएगा कि आपतित किरण कहां से जाएगी, फोकस से। सॉरी फोकस तो यहां दिए, अब ये ना कि मेरा लाइन वहां से चला गया, क्योंकि मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो इसलिए हम एफ को यहां से काट के वहां कर ले। लेकिन आपका जो ग्राफ बनेगा वो हम क्या करेंगे, अभी प्रकार से खींच के बनाएंगे, ठीक है। वो एक बार कॉपी में बताएंगे भी कैसे बनेगा, ठीक है। एफ चला गया, दूसरी प्रकाश किरण जो है उस वस्तु से जाएगी और वस्तु से होकर के कहां से, केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी। ये अगर वस्तु हमारा है, ये अगर वस्तु है बीसी, तो इसका किरण है कहां से गुजरेगा, सी से होते हुए, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, नोट याद क्या रखना है, आपतित किरण, आपतित किरण
सदैव फोकस एप से होकर जाएगी, आपतित किरण एप से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी? वस्तु के सिरे से, ठीक है, वस्तु के सिरे से गुजरने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। याद रखिएगा, दो चीज याद रखिएगा, कभी फिगर आपका गलत नहीं होगा। पहला, आपतित किरण कहां से जाएगी? फोकस से। और दूसरा, वस्तु के सिरे से गुजरने वाले प्रकाश किरण कहां से जाएगी? वक्रता केंद्र से। अब हम ये फिगर इस पर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कॉपी पर ड्रॉ करके बताएंगे, ठीक है। एक और मार्केबल पॉइंट है अवतल दर्पण में, कि अवतल दर्पण आपका ये रहा, ये पी, ये प्रधान अक्ष एक्स, इसके नाम दे दीजिए, ये आपका वक्रता केंद्र सी, ये फोकस ए, ठीक है। सी से दूर, अब वस्तु याद रखना है कि वस्तु कहां रखा जाएगा कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वस्तु कहां रखा जाएगा कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु कहां रखा जाएगा कि बराबर बनेगा। तो हम बता रहे थे इसमें कि वस्तु का प्रतिबिंब कब कैसे बनाना है, और वस्तु का प्रतिबिंब कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा। तो जब वस्तु को सी पर रखा जाएगा, वस्तु को कहां रखा जाएगा? सी पर रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, प्रतिबिंब बराबर बनेगा। सी से अनंत की ओर जितने जाएगा, इधर छोटा बनेगा, क्या बनेगा? छोटा। और सी से पी की तरफ जब बढ़ेंगे ना, तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा इस फिगर पे, क्या समझ में आ रहा है आप लोग? इसको देखिए रे भाई, यहां गोला बंदूक नहीं चला रहा है, गोला बंदूक नहीं चला रहा है। इस फिगर को देख करके यही चीज लग रहा है कि ये सबसे बड़ा और यहां सबसे छोटा, अरे सीढ़ी देख रहे ना बढ़ते हुए, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा? बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। पांच को छह स्टेशन बताए थे ना, तो देखो पहला स्टेशन था ये, दूसरा स्टेशन ये, तो दूसरे स्टेशन पे भी क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। यहां पर आकर के क्या हो जा रहा है? तीसरा स्टेशन पे थोड़ा सा बड़ा, नहीं बराबर लिखे हैं, देखो यहां समझो बराबर बनेगा, यानी कि वस्तु जब अनंत पर होगा तो भी छोटा बनेगा, ठीक है। एफ तथा सॉरी अनंत और सी के बीच में होगा तो भी छोटा बनेगा, अनंत तथा सी के बीच तो भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जब इसमें आ जाएगा, क्या नाम है, सी पर आ जाएगा तो बराबर बनेगा, सी तथा एफ के बीच में जाएगा, सी तथा एफ के बीच तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, एफ पर भी बड़ा बनेगा, पी तथा एफ के बीच में भी तो कहां कहां बड़ा बनेगा? फिर से देखिए, अनंत पर छोटा, दूसरा सी तथा अनंत के बीच
छोटा सी पर बराबर एफ तथा सी के बीच बड़ा एफ पर बड़ा और पी तथा एफ के बीच बहुत बहुत बड़ा ठीक है। यहां लिखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु की प्रतिबिंब का आकार, वस्तु से जी ध्यान दीजिएगा, वस्तु की स्थिति आप प्रतिबिंब का आकार वस्तु से। तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, देखिए दोनों चीज मैंने आपको क्लियर कट इसके पहले में लिखवाया था कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर, फोकस पर, ऐसे करके लिखवा दिया था ना, वो भी याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी मैंने बताया है कि जब वस्तु आपका अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो वस्तु से छोटा होगा। जब वस्तु को सी तथा अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा कि बड़ा होगा, वस्तु से छोटा होगा। जब वस्तु वक्रता के अंदर सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा, बराबर होगा, बराबर होगा ठीक है। जब वस्तु एफ तथा सी के बीच में वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा ठीक है। एफ पर होगा तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब पी तथा एफ के बीच में होगा तो क्या होगा, वस्तु से बहुत बहुत बड़ा होगा, जिसको तुम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हो, जूम, जूम आउट, मतलब जूम करेंगे मतलब कई गुना बढ़ जाएगा, जूम इन माने छोटा करना ठीक है। तो मोबाइल के भी लैंग्वेज में हो जाएगा कि जूम इन करेंगे तो सी के पीछे चला जाएगा, सी से दूर भागने लगेगा, और जूम आउट करेंगे तो क्या होगा, सी से दर्पण की तरफ नजदीक आने लगेगा, तब बड़का बड़का दिखाई देने लगेगा ठीक है।